आज हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाएगा? तो दो हैं, एक को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम आप पहले देखते हैं सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है एंड टू एंड। इन दिस नेशन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। देर इज वन पाथ for the flow of current। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर जो हैं उनको जोड़ा जाता है एंड से एंड तक और करंट फ्लो करने के। मसलन हमारे पास तीन रजिस्टेंस हैं, एक इसको मिला दिया नेक्स्ट से, इसको मिला दिया नेक्स्ट से। सपोज कि इसका नाम आर वन है, इसका नाम आर टू है और इसका नाम आर थ्री। अब ये देखें रेजिस्टेंस को हमने एंड से एंड जोड़ दिया और यहाँ लगा दी बैटरी। नेगेटिव पॉजिटिव, तो करंट आमतौर पर ये जो करंट है इसे हम कहते हैं कन्वेंशन करंट आई। ये यहाँ से अब देखें करंट फ्लो करने का एक ही पाथ है, तो करंट इसमें क्या रहेगा? सेम। तो इसमें जो करंट आई वन है, इसमें आई टू है, इसमें आई थ्री है, हम यहाँ कह सकते हैं आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री, इसको नाम आई का दिया। इसमें करंट सेम होगा, वोल्टेज इसके अक्रॉस यहाँ तक वोल्टेज है वो वी वन है, यहाँ वी टू है और यहाँ, तो वोल्टेज यहाँ डिवाइड होगी। V को हम कह सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V। तो ए इसमें करंट सेम रहेगा, वोल्टेज यहाँ से यहाँ V1 है, यहाँ से यहाँ V2 है, ये क्या V3। अब सिंपल, अब ओम्स लॉ लगाते हैं हम, बाई ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू यार। तो जब हम वी वन लिखेंगे तो वो होगा फिर आई वन आर वन, वी टू होगा हमारे पास आई टू आर टू, वी थ्री हमारे पास होगा आई थ्री आर थ्री। बाई सेकंड में ये वैल्यू पुट करते हैं। अब वी वन को लिखा हमने आई वन आर वन आई टू आर टू आई थ्री आर थ्री। अब इक्वेशन वन को देखो, हम कह सकते हैं बिकॉज आई वन इजक्वल टू आई टू इजक्वल टू आई थ्री, जिसको नाम आई का दिया है, देयर फोर यहाँ भी आई आएगा, यहाँ भी आई, इसे लिखें आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री। इसमें से आई ले लिया कॉमन हमने, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इसको नंबर देंगे हम थ्री। सिंपल, अब इन तीनों को
रिमूवेबल पे यहाँ एक सिंपल लगा देंगे, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनकी। अब अगर फर्ज किया हमारे पास ये तीन है, जैसे हमारे पास 50 50 रुपए के दो नोट हैं, वो किसी शॉप कीपर को दे के वहाँ से 100 रुपए का एक ले लिया, तो 50 50 के दो नोट या 100 रुपए उसके इक्विवेलेंट होगा, तो हमने तीनों को रिप्लेस किया और इसकी जगह हमने एक रेजिस्टेंस, इसका नाम क्या रखा आपने, आर। अब यहां पर लगाते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अब इन दोनों कंपेयर करते हैं, थीजे को हम लिखेंगे बाई कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ। जब ये साइड इक्वल टू, यहां लिखेंगे आई आर ई इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कैंसिल, तो दे आर सिंपली एडेड, आर इज इक्वल टू आर वन आर टू और आर थ्री। इसका मतलब ये हुआ जब रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए सीरीज में एंड से एंड में, तो इसमें करंट रहेगा सेम, वोल्टेज 300 में डिवाइड हो जाएगी एंड द रेजिस्टेंस आर सिंपली एडेड, तो रेजिस्टेंस सिंपली एड हो जाएगी। अब इसी एग्जांपल देते हैं, हम यहां से लेट हमारे पास आर वन जो है वो 2 ओम है, आर टू हमारे पास 4 ओम है, आर थ्री हमारे पास 6 ओम है, इनकी जो इक्विवेलेंट होगी वो भी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, 2 प्लस 4 प्लस 6, तो ये 12 ओम, इसका सिंपल। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है साइड बाय साइड, एंड देन इन दिस कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड साइड बाय साइड इन दिस कॉम्बिनेशन, there are more than one path for flow of current। इस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है साइड बाय साइड, करंट फ्लो करने के एक से ज्यादा पाथ होते हैं। सपोज क्या 3 रेजिस्टेंस हमारे पास, एक दो और ये तीन, इन्हें जान कर दीजिए, इसका नाम आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, देखें इसमें बैटरी लगाई है हमने डायरेक्ट, तो आर वन और आर टू और आर जो आर थ्री है इसके क्रॉस वोल्टेज रहेगी सेम, इसमें करंट 300 में हो जाएगा डिवाइड। अब इस केस में देखा जाए तो
वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री इज इक्वल टू वी, और जो करंट है वो तीन उसमें डिवाइड होगा, वो चला गया आई वन में, फिर आई टू में, और ये चला गया आई थ्री। अब इन तीनों को रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह लगाते हैं ऐसे, नेगेटिव पॉजिटिव आर ई वी लगाया हमला, वी इज इक्वल टू आई आर ई, दिस सिंपलाइज दैट वी ओवर आर ई इज इक्वल टू आई, पुट इन सेकंड। अब आगे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये होगा वी ओवर आर ई इज इक्वल टू आई वन आई टू और ये आई थ्री। वी ओवर अब आई की वैल्यू थी वी ओवर आर वन, तो यहां आएगा आपके पास, इसे देखा ये आएगा वी वन ओवर आर वन, इसको लिखा वी टू ओवर आर टू, इसको लिखा वी थ्री ओवर आर थ्री। इक्वेशन वन में सबको वी का नाम दिया गया, हम लिखेंगे वी ओवर आर ई, वी ओवर आर वन, वी ओवर आर टू, वी ओवर आर थ्री। वी कॉमन ले लिया हमने, आर वन आर टू आर थ्री वी ओवर आर ए, वी से वी होगा कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास जो आंसर आएगा वो है वन ओवर आर ई, वन ओवर आर वन, वन ओवर आर टू, वन ओवर आर थ्री। इसका मतलब अगर हमने इक्विवेलेंट लेना है तो पहले लेंगे इनको रेसिप्रोकल, फिर इनको ऐड करेंगे। अब इसको एग्जांपल देखते हैं, अब आर वन को हमारा के पास अगर टू ओम हो, आर टू की वैल्यू फोर ओम हो, आर थ्री की वैल्यू सिक्स ओम हो, तो आर ई कैसे निकालेंगे, वन ओवर आर वन, वन ओवर टू, वन बाई फोर, वन बाई सिक्स, इसका एलसीएम क्या आएगा, ट्वेल्व, टू सिक्स आर ट्वेल्व, फोर थ्री आर और सिक्स टू आर, तो फाइव ये होगा अलेवन ओवर ट्वेल्व इजक्वल टू वन ओवर आर ई, इसका लेते हैं रेसिप्रोकल आर ई ओवर वन, ट्वेल्व पॉइंट वन ये। तो इसमें देखें लास्ट केस में हमने इनको ऐड जो करने से, अगर इनको सिंपली ऐड किया जाए सीरीज में तो आएगा टू प्लस फोर सिक्स, ट्वेल्व ओम आएगा, इसमें वन पॉइंट सम था, इसका ये कॉम्बिनेशन। अच्छा अब इसकी किसको प्रेफर करेंगे, वही प्रेफर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, वी प्रेफर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम, घरों में बिजली की जब वायरिंग की जाएगी तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेंगे, कि उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ये इसके दो कॉम्बिनेशन।